चुनावी रंग में रंगे पुणे में बीजेपी मोदी का विजन बता रही है तो कांग्रेस संविधान बचाने की दुहाई दे रही है, लेकिन यहाँ असल फैक्टर सोशल इक्वेशन से ही साबित होगा। इस सीट पर ओबीसी वोटर 7 लाख है, मराठा वोटर 3 लाख, ब्राह्मण 2,71,000 और मुसलमान वोट 2,89,000 है। वोट के इन चार बड़े धड़ों में कौन सी पार्टी जीत का रास्ता कैसे निकालेगी ये बताएंगे, लेकिन पहले पुणे में छाई चुनावी रंगत से माहौल को समझ लेते हैं। बीजेपी ने मुरलीधर मोहोल पर दांव खेला है, उन्हें उम्मीद है कि मुरलीधर जीत का माहौल बना लेंगे। मोदी मैजिक के नारों के बीच पुणे के सड़कों पर बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। मुरलीधर रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पुणे शहर में इस वक्त भाजपा के उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल की प्रचार रैली निकल पड़ी है। बाइक पे कई उनके कार्यकर्ता समर्थक सवार हैं, खुद मुरलीधर मोहोल उनके साथ बीजेपी के जो नेता है महिला अध्यक्ष है चित्रा बाघ साथ में है और एक बड़ा हुजूम हम देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का इस वक्त इस रैली में शामिल हुआ है। इस पूरी प्रचार सभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल में किए हुए काम विकास का एजेंडा उसको दिखाने की कोशिश की है और आप लगातार देख सकते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार महायुति के उम्मीदवार इनके साथ लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि कांटे की टक्कर इस पूरे पुणे लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी मुरलीधर मोहोल मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी की नजर 3 लाख मराठा, 7 लाख ओबीसी, 2,71,000 ब्राह्मण वोट के फार्मूले पर है, लेकिन यहाँ कई चुनौतियाँ भी हैं। आरक्षण के मुद्दे पर मराठा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अगर मराठाओं ने दूसरा विकल्प तलाशा तो वीबीए के वसंत मोरे को फायदा हो सकता है, कुछ वोट कांग्रेस को भी मिल सकता है। आरक्षण मामले में ओबीसी बीजेपी से काफी खुश है, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी कैंडिडेट उतार कर इस वोट बैंक में सेंधमारी तय कर दी है। हमारे साथ मुरलीधर मोहोल है, महायुति के उम्मीदवार है, लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या माहौल इस साल देख रहे हैं आप? आप भी देख सकते हो पूरी तरह से माहौल बहुत ही अच्छा है। जहां कहीं भी हम जा रहे हैं लोगों का जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग हमारी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हमारा स्वागत भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पुणेकर जनता जो है उन्होंने ये निश्चय किया कि फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और उसके लिए एक वोट जो पुणे का है वो भी देने का निश्चय किया है। वसंत मोरे हो या रविंद्र धनगेकर हो, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मुझे नहीं लगती कोई चुनौती है, हमारा विजय निश्चित है और मुझे कोई चुनौती नहीं लगती। कांग्रेस को इस सीट पर रविंद्र धंगेकर में जीत की उम्मीद नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी और राहुल को उम्मीद है कि धंगेकर विधानसभा उपचुनाव का प्रदर्शन रिपीट करेंगे और कांग्रेस के गढ़ को रिट्रीव करेंगे। परंपरागत सीट वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, डोर टू डोर कैंपेन के साथ रोड शो भी निकाल रही है।